हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मिसेस प्रभजोत कौर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट दयानंद महिला महाविद्यालय कुरुक्षेत्रा। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 4 ऑफ कैलकुलस बुक एंड इट्स फोर्थ एक्सरसाइज दैट इज असिम्प्टोट्स ऑफ द पोलर कर्व्स। इससे पहले जो हमने वीडियो करी थी उसमें हमने देखा था कि पोलर कर्व्स यानी कि जिसमें हमारे पास आर और थीटा इन्वॉल्व हो उसमें हम असिम्प्टोट निकालने के लिए क्या रूल्स करते हैं फॉलो। तो पहले एक बार उन्हीं रूल्स को हम रिकॉल करते हैं। सबसे पहला जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हमें आर को 1/u सब्सटीट्यूट करना है। जब आर को 1/u सब्सटीट्यूट करेंगे और उसके बाद जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हम कन्वर्ट कर देंगे साइन और कॉस में। फिर हम यू को जीरो अप्रोच करवाएंगे और थीटा की लिमिट को फाइंड आउट करेंगे। दो पे वो थीटा की लिमिट आएंगे उनको हम नाम दे देंगे थीटा 1, थीटा 2 एंड सो ऑन। उसके बाद हमें डेरिवेटिव निकालना है डी थीटा बाय डी यू, उसके आगे माइनस का साइन करके लिमिट थीटा को थीटा 1, थीटा 2 जो भी है वो पुट करना और यू को जीरो पुट करेंगे। वहां से जो आंसर आएगा उसको हम पी वैल्यू लेंगे और फिर p की वैल्यू हम इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट में सब्सटीट्यूट कर देंगे। इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट होगी p इज इक्वल टू r sin थीटा i माइनस थीटा। ये थीटा i जो होगा जो भी होगा थीटा 1 थीटा 2 जो हमने फाइंड आउट किया वो यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे और p की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। उसके बाद हमने कुछ कहा था कि ये छोटे छोटे से कुछ रूल्स हैं, मेथड्स हैं जो हमें रिकॉल रखने हैं कि जैसे कि अगर साइन एन पाई प्लस थीटा आ जाए तो उसकी वैल्यू माइनस वन रेस्ट टू पावर एन टू साइन थीटा होगी, कॉस एन पाई प्लस थीटा की वैल्यू माइनस वन रेस्ट टू पावर एन टू कॉस थीटा होगी। उसके बेस्ड हमने दो एग्जांपल्स कर लिए थे। नेक्स्ट अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 3। स्टेटमेंट क्या है इसकी, फाइंड द असिम्प्टोट ऑफ आर एस टू द पावर एन एफ एन थीटा प्लस आर एस टू द पावर एन माइनस वन एफ एन माइनस वन थीटा प्लस एंड सो ऑन एफ नॉट थीटा इज इक्वल टू जीरो। ये आर की पावर एन के बाद जो एफ एन थीटा है ये मतलब हुआ इसका, एफ एन थीटा का मतलब हुआ ये फंक्शन एफ ऑफ थीटा है उसका एन टाइम डेरिवेटिव है, ये फंक्शन एफ थीटा का एन माइनस वन डेरिवेटिव है। इस तरह से ये वैल्यूज डिनोट कर रही है। तो सबसे पहले हमारा असिम्प्टोट निकालेंगे क्योंकि हमें आर और थीटा इसमें मिल रहा है, इसका मतलब ये पोलर कर्व है और पोलर कर्व में हमने देखा था रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आर को 1/u सब्सटीट्यूट करेंगे। आर को जो 1/u करेंगे ये बनेगा 1/u रेस्ट टू द पावर एन, ये बनेगा 1/u रेस्ट टू द पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन। तो हम यू रेस्ट टू द पावर एन से एलसीएम ले लेंगे। जब यू रेस्ट टू द पावर एन करेंगे यहाँ रह जाएगा 1 न्यूमिरेटर में, यहाँ आ जाएगा यू अगले वाले में, यू स्क्वायर अगले वाले में यू क्यूब और लास्ट वाले में यू की पावर एन आ जाएगी। जो डिनोमिनेटर में यू रेस्ट टू द पावर एन एलसीएम में था वो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होकर जीरो बन गया है। अब हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं। हमें पता है थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें यू को जीरो अप्रोच करवाना होता है। जैसे ही हम यू को जीरो पुट करेंगे यहाँ से लेकर आगे तक के सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगी, इसका मतलब एफ एन थीटा जो है वो किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। अब ये तो कोई इक्वेशन होगी एफ एन थीटा इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एन डिग्री की इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना होगा, या एन थी डेरिवेटिव वाली जो भी इक्वेशन इसको सॉल्व करना होगा, यानी इसका जो रूट मिलेगा वो थीटा की वैल्यू होगी। तो हम जो भी इसका रूट मिलता है एफ एन थीटा इज इक्वल टू जीरो उसको हम रूट को नाम देते हैं थीटा वाली, क्योंकि हम एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से थीटा की नहीं निकाल सकते। ये तो उन्होंने इमेजिन किया हुआ फंक्शन एफ ऑफ थीटा जिसका हम एनएस डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो हमें नहीं पता है फंक्शन कौन सा है। हमें क्योंकि पता है कि यू की वैल्यू जब जीरो को पुट करेगी, जीरो को अप्रोच करेगी, तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से एफ एन थीटा को हम जीरो अप्रोच करवाते हुए हम कहेंगे कि जो भी इसका रूट होगा एफ एन थीटा इज इक्वल टू जीरो का, उसका जो रूट है उसको हम थीटा वन कह देते हैं। अब उसके बाद हमें पता है हमें पी निकालना है, यानी कि पी की वैल्यू होती है माइनस डी थीटा बाई डी यू और लिमिट लगा देते हैं थीटा टेंड्स टू थीटा वन। तो यहाँ पर सबसे पहले डी यू बाई डी थीटा निकालेंगे फिर उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू यू कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू यू जब करेंगे तो बनेगा एफ एन डैश थीटा, ये बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू यू करेंगे तो ये यू का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, एफ एन माइनस वन थीटा आ जाएगा और यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा होना है, तो डी यू बाई डी थीटा वन नहीं होगा, यू का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ये यू नहीं है, ये है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहां पर चेंज होगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा है तभी ये बना एफ एन डैश थीटा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा है तो उसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। अगर इस फंक्शन को एफ एन माइनस वन को हम एस डीज रखेंगे तो यू का डेरिवेटिव बन जाएगा डी यू बाई डी थीटा, प्लस यू को एस डीज रखेंगे तो एफ एन माइनस वन का एक डेरिवेटिव और हो जाएगा बनेगा एफ एन माइनस वन डैश थीटा। आगे वाली टर्म में भी यही आएगा, सभी टर्म्स में यू इन्वॉल्व होगा। अब हमें क्या करना है, हमें पता है जब हम पी की वैल्यू निकालने लगते हैं उसमें हम कहते हैं कि यू जीरो को अप्रोच करेगा और थीटा थीटा वन को अप्रोच करेगा। तो जैसे ही हम यू को जीरो पुट करेंगे ये टर्म और आगे वाली सारी टर्म्स में यू इन्वॉल्व होगा, इसलिए वो सारी टर्म्स जो है वो जीरो हो जाएंगे, सिर्फ हमें दो टर्म्स मिलेंगे। तो डी यू डी थीटा की यहां से वैल्यू निकाल लेंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे विद माइनस साइन और लिमिट थीटा टेंड्स टू थीटा वन कर देंगे तो पी की वैल्यू मिलेगी। तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे वो आ जाएगा एफ एन माइनस वन थीटा वन, क्योंकि थीटा को हमने थीटा वन पुट कर दिया है और एफ एन डैश थीटा वन, और ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होकर ये प्लस बन जाएंगे। अब असिम्प्टोट की जो इक्वेशन है पी इज इक्वल टू आर साइन थीटा वन माइनस थीटा, उसमें सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, पी की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पर, आर एज इट इज थीटा वन माइनस थीटा एज इट इज, और यहां हम लिख देंगे कि थीटा वन जो है वो हमने क्या लिया हुआ था, कोई रूट था किस इक्वेशन का, एफ एन थीटा इज इक्वल टू जीरो का।
नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर फोर. फाइंड द सिंक्लॉट ऑफ द कर्व आर कॉस टू थीटा इज इक्वल टू ए साइन थ्री थीटा. सबसे पहले यहाँ से आर की वैल्यू निकाली, आर की वैल्यू आई ए साइन थ्री थीटा बाय कॉस टू थीटा. आर को पुट कर देंगे वन बाय यू, फिर आर को जब वन बाय यू पुट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए हम यू की वैल्यू निकालेंगे. तो यू की वैल्यू आ जाएगी कॉस टू थीटा बाय ए साइन थ्री थीटा. यू की वैल्यू निकालने के बाद अब हम यू को जीरो पुट करेंगे और थीटा की वैल्यू निकालेंगे. जैसे ही यू जीरो को अप्रोच करेगा डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होकर जीरो चला जाएगा, तो कॉस टू थीटा जीरो को अप्रोच करेगा. और हमें पता है कि कॉस थीटा जब जीरो जाता है तो थीटा इज इक्वल टू 2n plus 1 pi by 2 होता है. तो यहाँ पे cos 2 theta 0 जा रहा है, इसलिए 2 theta ये कोई root theta 1 हमने ले लिए, उसको approach करेगा 2n plus 1 pi by 2 को. 2 divide में इस तरफ ले आएंगे right hand side पे, तो बन जाएगा 2n plus 1 pi by 4 where n is any integer. अब हमें d theta by du चाहिए, तो सबसे पहले हम du का derivative theta में करेंगे, फिर reciprocal करेंगे. du by d theta निकालने के लिए हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे, यानी यू बाई वी रूल लगाएंगे. उसके अकॉर्डिंग वी का जो हो जाता है स्क्वेयर, तो वी का स्क्वेयर न्यूमिरेटर में क्या आ जाएगा, वी एज इज ए साइन थ्री थीटा एज इट इज. अगर हम ए को फिक्स रखना चाहते हैं तो ए को फिक्स भी रख सकते हैं, वन बाय ए फिक्स रख देंगे. कॉस टू थीटा हमारा यू बन जाएगा, कॉस थ्री थीटा हमारा वी बन जाएगा. तो यू बाई वी रूल इसके ऊपर लगाया हुआ है इन्होंने, ए एज इट इज रखा हुआ है. डिनोमिनेटर में आएगा साइन स्क्वेयर थ्री थीटा, फिर न्यूमिरेटर में साइन थ्री थीटा एज इट इज. कॉस टू थीटा का डेरिवेटिव वो बन जाएगा माइनस टू साइन टू थीटा, फिर प्लस माइनस u as it is. u as it is का मतलब हुआ cos 2 theta as it is. फिर denominator sin 3 theta का derivative हो जाएगा, वो बन जाएगा 3 cos 3 theta. अब इसमें से जो फिर ये हमारा निकल गया, इसका reciprocal ले लेंगे, तो minus sign कर देंगे और reciprocal ले लेंगे, क्योंकि minus numerator में से common निकल रहा है, वो minus minus cancel होकर plus बन जाएगा. और ये term numerator में चली जाएगी reciprocal लेते हुए a sin square 3 theta, और denominator में आ जाएगा 2 sin 2 theta sin 3 theta plus 3 sin cos 3 theta cos 3 theta into cos 2 theta. अब क्योंकि हमने थीटा को थीटा वन अप्रोच करवा रखा है, इसलिए पी की वैल्यू निकालते हुए हम थीटा को थीटा वन पुट कर देते हैं, इसलिए हमने जहां जहां थीटा था वहां वहां थीटा वन कर दिया है. अब हम हर एक टर्म को अलग से सॉल्व करेंगे, जैसे साइन टू थीटा वन की वैल्यू निकालेंगे, कॉस टू थीटा वन की वैल्यू निकालेंगे, साइन थ्री थीटा वन की वैल्यू निकालेंगे, फिर इस इक्वेशन नंबर टू में सब्सटीट्यूट करेंगे. हमें थीटा वन निकाला था टू एन प्लस वन पाई बाय फोर, तो साइन टू थीटा वन की वैल्यू पुट की टू एन प्लस वन पाई बाय फोर, टू अंदर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये बन जाएगा फोर. और ये जो डिनोमिनेटर वाला फोर है ये पाई बाय फोर के अंदर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, तो ये टू इंटू टू फोर और डिनोमिनेटर वाले फोर से कैंसिल हो जाएगा, अंदर जो मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो वो बन जाएगा एन इंटू पाई प्लस. अब ये टू अंदर फिर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ टू आ जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई में पाई बाय फोर आ जाएगा, टू इंटू पाई बाय फोर बन गया पाई बाय टू. और हमें पता है साइन एन पाई प्लस प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन रेस टू द पावर एन इंटू साइन थीटा ही रह जाता है, तो थीटा की जगह यहाँ पर क्या है पाई बाय टू, तो साइन नाइनटी में पता वन होता है, इसका वैल्यू होगी माइनस वन रेस टू द पावर एन. इसी तरह से कॉस टू थीटा वन की वैल्यू निकाली, थीटा वन की वैल्यू पुट की, फिर इनको अंदर मल्टीप्लाई में ले आई, ये बन गया कॉस एन पाई प्लस पाई बाय टू. उसका भी आंसर पता है माइनस वन रेस टू द पावर एन इंटू कॉस नाइनटी जीरो होता है, इसलिए टर्म जीरो गई. साइन थ्री थीटा वन की वैल्यू थ्री इंटू थीटा वन पुट कर दिया, फिर इनको अंदर मल्टीप्लाई में ले आई, टू आ जाएगा टू थ्री इंटू टू एन इंटू पाई बाय फोर, जब वो रह जाएगा थ्री इंटू एन पाई बाय टू प्लस आगे फिर थ्री अंदर मल्टीप्लाई में आ गया थ्री पाई प्लस थ्री पाई बाय फोर आ गया. अब थ्री पाई बाय जो है टू था इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, थ्री पाई बाय टू को हम लिख रहे हैं वन प्लस वन बाय टू, क्योंकि वन प्लस वन बाय टू थ्री बाय टू बन जाता है, इसलिए लिख गया वन के साथ भी एन पाई और वन बाय टू के साथ भी एन पाई. और नेक्स्ट टर्म एज इट इज, अब ये बन गया साइन एन पाई, ये पूरा का पूरा जो आगे ये दे रखा है ये हमारा पूरा का पूरा बन गया थीटा, यानी कि साइन एन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन रेस टू द पावर एन टू साइन थीटा रह जाता है, तो ये पूरी टर्म थीटा वाली आ गई. अब ये सारी वैल्यू जितनी भी थी ये हमने क्वेश्चन नंबर टू में पुट कर देनी है, वहां से हमारे पास पी का आंसर आ जाएगा. जब हमें पी मिल जाएगा तो हम लिखेंगे कि सिंक्लॉट की इक्वेशन क्या होती है, पी इज इक्वल टू आर साइन थीटा वन माइनस थीटा, उसमें ये वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारा ये सिंक्लॉट आ गया. नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर फाइव. फाइंड द सिंक्लॉट्स ऑफ द कर्व आर कॉस थ्री थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा. सबसे पहला स्टेप वही आर की वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, उसमें आर को वन बाय यू पुट कर देंगे, वहां से यू की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर यू को जीरो पुट करते हुए थीटा का आंसर निकालना है. यू जैसे जीरो होगा कॉस थीटा जीरो को अप्रोच करेगा, यानी कि थीटा वन का आंसर आ जाएगा टू एन प्लस वन पाई बाय टू, वेयर एन इज एनी इंटीजर. अब हमें डी यू बाय डी थीटा निकालना है, फिर उसके बाद में रेसिप्रोकल लेंगे. डी यू बाय डी थीटा निकालने के लिए क्वेश्चन रूल लगाया है, वन बाय ए जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको बाहर रख दिया है, इसके ऊपर क्वेश्चन रूल लगाते हुए डिनोमिनेटर में आगे वी, इसके न्यूमिनेटर में वी एज इट इज इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस यू एज इट इज, तो वी का डेरिवेटिव कर देंगे. जब ये डेरिवेटिव हो जाएगा उसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे यहाँ से आ गया हमारा न्यूमिरेटर में से माइनस साइन थीटा कॉमन निकल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन बन जाएगा, तो आएगा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया. अब उसके बाद हमें पी की वैल्यू चाहिए, तो हम इसका रेसिप्रोकल चाहिए और माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रेसिप्रोकल लेंगे ए साइन क्यूब थीटा बाय वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा थीटा वन को प्रूव कर रहा है. अब हमें फिर से वही करना है, कॉस थीटा वन की वैल्यू और साइन थीटा वन की वैल्यू निकालनी है. थीटा वन हमने निकाल लिया था टू एन प्लस वन पाई बाय टू, उसको
सॉल्व कर लिया तो कॉस थीटा वन का आंसर आ रहा है जीरो और साइन थीटा वन का आंसर आ रहा है -1:n। वो वैल्यूज यहाँ पर हम पुट कर देंगे पी में, वो वैल्यूज यहाँ पर हमें सब्सटीट्यूट कर दें, साइन थीटा वन कॉस थीटा वन की वैल्यू पुट कर दी, हमारा पी आ गया। और इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट हमें पता है किसके इक्वल होते हैं, पी इज इक्वल टू आर साइन थीटा वन माइनस थीटा, वैल्यूज यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी। इसको आगे सॉल्व करते रहे, जैसे कि हमारे पास ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये बन जाएगा एन पाई प्लस, ये बन जाएगा पाई बाय टू माइनस थीटा, और हमें पता है साइन एन पाई, मान लिया ये पूरा का पूरा हमारा क्या है थीटा, तो साइन एन पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है -1:n(sin θ)। अब साइन यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लग रहा है साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और 90 पे पता हमें साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, तो साइन की जगह आ जाएगा कॉस, और 90 माइनस में है तो प्लस ही रहेगा, साइन प्लस का आएगा, नेगेटिव नहीं होगा, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा बन जाएगा। -1:n दोनों साइड से कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया आर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पर हमारे ये सारे एग्जांपल्स खत्म होते हैं असिम्प्टोट्स निकालने के लिए। एक्सरसाइज 4.4 जो है वो इन्हीं असिम्प्टोट्स पोलर कर्व, ये सारी के सारी ये चैप्टर जो एक्सरसाइजेस में सारे पोलर कर्व दी हुई है, इन पोलर कर्व्स के आपको असिम्प्टोट फाइंड आउट करने हैं। तो ये सारे जैसे अभी हमने एग्जाम्पल किया है, ये उन्हीं एग्जाम्पल के बेस्ड एक्सरसाइज है जो कि आपने सॉल्व करनी है। थैंक यू।